यार आप कितने क्यूट लग रहे हो यशवी। कौन सा कलर है? रेड। आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो। ये तो लेकिन ये टूटा हुआ है यार। हाँ ये तो टूट गया। वाओ कितने सोने लग रहे हो आप। अरे ये टूटा हुआ है, मैं कैसे पहनूंगी। क्यूट डॉल। वाओ नहीं अच्छे लग रहे यार। और भी ग्लासेस लेके आऊंगी मैं आपके लिए, ठीक है? और हाँ ये नहीं, और कलर्स लेके आऊंगी, ठीक है? कहाँ जाना है आपको? मॉल। क्या करोगी मॉल जाके? गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग को इतना प्यार दिया। सो ये देखो यशवी को। हेलो करो सबको। क्या कर रहे हो आप? पानी पी रहे थे बस। हाँ। और जो शैतानी कर रहे थे वो कुछ नहीं? जो किचन में खाना देख रहे हो कैसे ऑर्डर दे रही हूँ। सो अभी बज रहे हैं दिन के 2 और मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने। आज मटर पुलाव बनाते हैं, मटर पुलाव खाते हैं। और आज सैटरडे है, संदीप जा रखे हैं ऑफिस, तो चलो पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटर चॉप कर दिए, अनियन गार्लिक, और ये जो मटर मैंने फ्रोजन करके रखी हुई थी ना सर्दियों में, वो अब काम आ रही है। तो चलते हैं पुलाव बनाते हैं पहले। तो ये हमारा रेडी हो गया पुलाव एंड दही, एंड यशवी का पुलाव एंड दही। यशवी खाओगे आप? मैं तो दही खाऊंगा। यम्मी होता है? हाँ। यशवी को दही बहुत पसंद है। सो गाइस हमने खाना खा लिया और यशवी सोने की तैयारी कर रही है। यशवी आपके पास क्या है? टिया। अच्छा इसका नाम टिया है? हाँ इसका नाम है टिया। इसके बिना नींद नहीं आती आपको? इसके नींद नहीं आता, उसको ठंड लग रही है। उसको ठंड लग रही है? उसको कैसे ठंड लग जाएगी? उसके कमर में लेती है ना, इसलिए उसको ठंड लग जाती है। अरे यार आप छोटे बेबी हो, आप गुस्सा क्यों हो गए? मैं तो सो रहा हूँ। सो रहे हो? हाँ। चलो बाय कर दो फिर सबको। बाय। मैं नींद नहीं कर रहा हूँ। चलो गाइस फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। यशवी आराम करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सो गाइस संदीप आए थे 6 बजे, हम लोगों ने थोड़ा चाय वाय पी, लेकिन यशवी की आज सुबह से ही डिमांड हो रखी है कि मॉल जाना है, मॉल जाना है। तो अब देखते हैं यशवी को कैसे कन्विंस करते हैं और कौन सा उसको मॉल दिखाते हैं। और यशवी के लिए थोड़े से मुझे टॉप वगैरह भी लेने, तो 1-2 टॉप लेकर आऊँगी उसके लिए। और ये मेरा जो मैंने आज पहना हुआ है। अरे आप ये पहन रहे हो? हाँ। ये छोड़ना मत फिर आप, है ना? ठीक है। ये तो दूसरा पहन लो, चिकचॉक पहन लो, वो ठीक होते। वो स्कूटी में ठीक होता है ना? वो स्कूटी में ठीक नहीं होएगा वो। क्यों? ये ठीक होएगा। ये ठीक होएगा? हाँ। ठीक है। आज यशवी ने सुबह से रट्टा लगा रखा है, मॉल जाना है मॉल जाना है। सुबह मॉर्निंग में भी उठी थी ना, तब भी ऐसी बोल रही थी, मम्मा मुझे मॉल जाना है। मैंने कहा सुबह सुबह उठ के मॉल। अब शाम को संदीप ने बोला यार चलो इसको थोड़ा घुमा के लाते हैं, पूरा हफ्ता ऐसे हो जाता है, तो इसको घुमाने चलते हैं थोड़ा सा। वो आज हम स्कूटी में जा रहे हैं, गाड़ी उड़ा के ले जाएं? नहीं। तो फिर ट्रैफिक लाइट हो रही है ना, ये देखो रेड लाइट हो रही है। ट्रैफिक लाइट हो रही है ना बेटा, इसीलिए तो गाड़ी रुकी हुई थी। हेलो उससे कह दें, अच्छे नहीं लग रहे। हाँ। तो आप पसंद करो फिर कौन सा। पापा ये अच्छा लग रहा है। बेटा यशवी बिना बिल दिए ना जाने नहीं देंगे आपको। देखो मैंने सारे ड्रेस ले पापा, हमने भी खरीद लिया। जल्दी आओ, मुझे बाद में डाल दो।
बार्बी डॉल चाहिए आपको? चलो हम चलते हैं, मम्मी कहाँ है? इतने सारे टॉयज, इतना सारा शॉपिंग आपने खुद अपने लिए कर लिया? अच्छा तो ये इसके बिल कर दिया आपने, पैसे वैसे दे दिए इसके? मैंने बिल नहीं दिया आपने? हाँ। तो आपको पहले तो बिल देना चाहिए ना, जाओ। बस बंद करना, जो मैं निकल कर आऊंगा। पहले चप्पल पहनो। एक लो, कौन सा चाहिए आपको? एक ले लो, सिर्फ एक। बाबू क्या कर? ये हाथ में पकड़ लो, चलो ठीक है। पैसे हैं आपके पास इसको बिल देने के लिए? नहीं, मेरे पास नहीं है, बाबू के पास है। यशवी को तो साइकिल लगे, मैं तो यशवी का मेकअप किट किसी को दे दूंगी। चलो ठीक है, बाय। लुट गए, तो गाइस यशवी के कपड़े बहुत छोटे हो रहे थे और बहुत दिनों से हमारा प्लान चल रहा था कि हम यशवी के लिए कुछ कपड़े लेंगे, बाय करते हैं। चलो हम ऊपर देख के आपसे पूरी अच्छे से बात करते हैं यहाँ पर। बट सच में यार, गर्ल्स के लिए ना कपड़े लेने में इतना मन करता है ना कि ये भी पहनाऊं, वो भी पहनाऊं, ये भी पहनाऊं, हमसे ज्यादा तो उसको एक्साइटमेंट थी। सो गाइस, आज संदीप का अच्छा खासा चूना लग चुका है। यशवी, संदीप आपको चूना लग गया आज? वैसे संदीप और यशवी नहीं करी है शॉपिंग, मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी। तुमने भी करी है, ठीक है, तुम्हारे लिए वो आ गया। तो सबसे पहली शर्ट संदीप ने लिए, ये और यशवी ने अपने लिए मेकअप किट लिया। आजा शर्ट का टैग निकाल। सो गाइस, फर्स्ट स्टॉप हमने ये लिया है और ये सारी शॉपिंग हमने किशन नगर चौक पे वी मार्ट पड़ता ना, वहाँ से लिया। तो ये वाला जो टॉप है, यशु पापा से खुलवाओ, तो ये वाला जो टॉप है ना, ये 500 का है। बच्चों के कपड़े कुछ कॉस्टली होते हैं और कुछ रीजनेबल प्राइस में भी आते हैं, बट मेरे को थोड़ा एक अच्छा सा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। एक ये टॉप, ये वाला संदीप की पसंद का है, सेकेंड टॉप, और इसकी कॉस्ट है 400। ये भी बहुत क्यूट सा है। तो ये प्लाजो जो मैंने लिया है यशवी के लिए, कॉटन में है, उसकी प्राइस है 275। तो इस तरह के कपड़े ना बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों पे। इस बार मैंने ना पैंट और पजामे में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लूज प्लाजो लूँ। मैं अपने लिए भी खुद के लिए देख रही थी, बट मेरे लिए मिला नहीं, तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी। और एक ये हमने यशवी के लिए टी शर्ट लिया है येलो शेड में, और इसकी प्राइसिंग भी है 150 ओनली। तो इस तरीके की टी शर्ट भी आपको पे मिल जाएंगी प्यारी सी। और एक मैंने ये लिया है, ये भी कॉटन में ही है पैंट, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 200, और ये नीचे से भी इलास्टिक है इसमें, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था यशवी पे। क्योंकि यार समर्स में पता क्या होता है, बच्चों को जीन्स पहनाओ या फिर पैजामे पहनाओ ना, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, तो मैंने इस बार सारे पैंट्स में और प्लाजो में इन्वेस्ट किया है यशवी के। और एक प्लाजो है ये, और इस बार थोड़े से मैंने येलो शेड ज़्यादा लिए क्योंकि यशवी के पास येलो थोड़े कम थे। एक ये प्लाजो है, इसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा बाद में ठीक करवाऊँगी टेलर से। और इसकी जो कॉस्ट है ये है 275। तो जो प्लाजो और पैंट्स मैंने लिए हैं ये 275 से ऊपर के नहीं है, तो इतने में आपको वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप देहरादून से हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बच्चों का कलेक्शन बहुत प्यारा आ रखा है वहाँ पे। और ये तीन टावल लिए मैंने, ये हैंड टावल वॉशरूम के लिए, इनकी कॉस्टिंग क्या है 100 रुपीज़। तो ये तीन टावल हो गए 100 रुपीज़ के। और ये यशवी ने पता नहीं क्या लिया है, कॉम मिल्क के फ्लेवर्स हैं ये सारे, ये यशवी का है। और ये है, संदीप ने अपने लिए शर्ट ली है और इसकी जो कॉस्ट है वो 400 है ना, आई थिंक 475। तो ये वाला जो कपड़ा ना अच्छा था, कपड़ा बहुत अच्छा। प्यारा है और ये मेरी चॉइस है, तो ये संदीप को बहुत पसंद आई है। एक बार मैं सोच रहा था कि रख लूं, दूसरा ले लेता हूं, दूसरा मैंने फिर बोला, मुझे लगा कि ये सब अच्छा लग रहा है। नहीं, इसका कपड़ा बहुत अच्छा रखा है, अगर आपको फॉर्मल्स वगैरह लेने ना तो आप वहां से देख सकते हैं वी मार्ट से, तो बहुत अच्छा कलेक्शन है वहां पे इस टाइम पे आ रखा है। संदीप का तो साइज नहीं था,
34 तो 30, हाँ मिला ही नहीं। 100 रुपए का रोटी का कपड़ा जो आजकल कच्चों में मिल रहा दमदार, मगर इसको पॉकेट नहीं है सबसे नहीं जाने? लेकिन मुझे ये सही लगता है गर्मियों के लिए। हाँ गर्मियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन गर्मियों के लिए ठीक है, रात भर में सोने वाने के लिए ठीक है। हाँ तो सबसे अच्छी चीज तो मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है संदीप, इसकी अनबॉक्सिंग करो। इसको पहनने के बाद आप बैठते हुए बड़ा ध्यान दें क्योंकि फ्रिज पूरा खुला है, नीचे से हवा आ रहा है। इसकी अनबॉक्सिंग करो यार। तो गाइस पूनम ने ये डील पता नहीं महंगी ली किसी। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये डील पूनम ने महंगी ली है या सस्ते ली है बताना। और हमें ये प्लांट का नाम भी नहीं पता, बैम्बू से रिलेटेड समथिंग कुछ है क्योंकि ये बैम्बू जैसे ही लग रहे हैं। सो प्लीज जो भी है आप बताना कि ये महंगा लिया है या सस्ता लिया। वैसे उसने बोला था 2200 का ही है बट पूनम ने 1000 रुपीज का लिया। तो ये ना रोड साइड बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार चलो एक बार पूछती हूँ कितने का है। मैं तो बस स्कूटी से आ रही थी घर की तरफ, लेकिन मुझे सही मिल गया ये। और ये इसमें नीचे का पॉट है, ग्लास पॉट, बहुत प्यारा है यार ये तो, है ना? टूटा तो नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा वॉश करना पड़ेगा बट ठीक है। लगाऊंगी कहाँ पर? लगाने के लिए तो ऑप्शन है मेरे पास, तुम पहले चेक तो कर लो। तो ये ना 2200 में दे रहा था वो, तो मैंने थोड़ा बार्गेनिंग वार्गेनिंग करके 1000 रुपए में ले लिया। पर मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने महंगा लिया कि सस्ता लिया। तो अगर आप लोगों को पता है इस बारे में तो मेरे को बताइए कि ये महंगा पड़ा है मुझे सस्ता पड़ा है। तो ये पूरा पॉट के साथ मुझे 1000 रुपए में पड़ा है। सस्ता ही पड़ा होगा यार, जब वो 2200 बोल रहा था तुम 1000 में लेके आई तो सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन यार फिर तो सस्ता ही है ना मेरे लिए, सस्ता है। बट मुझे नहीं पता ना इसकी कॉस्ट कितनी है, बट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। बट ठीक है, यूनिक है ना, अच्छा लग रहा है। सो गाइस ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, देखो ये कैसे होता है, होता है कि नहीं होता। बट ये है कि उसने बोला है कि इसका पानी जो है वो 1 से 1.5 महीने में चेंज करना, बार बार इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी इसको रहने देना, ये ऐसे यहाँ पर ग्रो होता रहेगा। यह वैसे हम ना इसे यहाँ रख रहे थे बट हमने सोचा ये अभी यशु छोटी है ना तो उसके साथ ये रिस्क नहीं ले सकते कि उसे वहाँ रखें, ये गिरा देगी इसको, इसलिए ये यहीं पर सेफ है एकदम, है ना यशु? तो ऐसा सोचा ना नहीं था गाइस कि आज हम ऐसे ही बस निकलेंगे टहल मस्ती में। हमने ऐसे सोचा था हम स्कूटी पे जाएंगे ऐसे घूमते फिरते, यशु वहाँ पे जा जाएंगे क्योंकि यशु बोल रही थी सुबह से मॉल जाना मॉल जाना। तो हमने कहा चल यार चलते हैं थोड़ा सा घुमा के ले आते हैं, क्या पता ये भी घर में बोर होती है। लेकिन हम फिर चलते चलते घुस ही गए वी मार्ट। बट ठीक था, मतलब कलेक्शन अच्छा था, ऐसा नहीं लगा ना, सही लगा कि यशु के लिए कपड़े। मेरी यशु देखो अपनी मम्मा से क्या सीखती जा रही है, मेकअप 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 चाहिए से मेकअप। ठीक है बच्चों के कपड़ों के लिए वी मार्ट बढ़िया है। जब बच्चा एक उसमें आ जाता ना कांस्टेंट उसमें, तो फिर उसके लिए फिर कोई अच्छे अच्छे कपड़े आप ऐड कर सकते हो जो थोड़े एक्सपेंसिव। अब इस घर की हालत यार, तुमने लिया क्या ये मेकअप किट? डॉक्टर सेट लेती ना जो तू बनना भी चाहती है। यशु को नींद आ रही है? आज यशु ने शॉपिंग करी? क्या करी शॉपिंग में? कुछ नहीं करी, मैंने कपड़े लेके आए। कैसे कपड़े लेके आए? कपड़े अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे, टाइट हो गए थे ना। टाइट हो गए? कौन सा टाइट हो रहा था यार? यशु इतने अच्छे लग रहे थे, आप तो बेइज्जती कर देती हो। स्टाइलिश लग रही थी आज। यशु तो सो रही है, यशु ने अपनी टिया को भी सुला दिया और हम भी अब सोते हैं। संदीप गैस स्टोव की रिसर्च कर रहे हैं, हमें एक अच्छा सा गैस चाहिए, उसी की रिसर्च चल रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट। गुड नाइट।